कैसे हैं आप सब? राम राम सबको। आशा करते हैं आप सब भी बड़े ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आज हमारी शादी की है सालगिरह है 18वीं। हमारी शादी को 18 साल हो गए और हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे भी, एक मेरा बेटा और बेटी। और आज हमने प्लान किया है कि हम बच्चों के साथ कहीं बाहर चलेंगे। जब से लॉकडाउन लगा है कहीं बाहर ही नहीं गए। लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, उसके बाद में भी हम कहीं बाहर नहीं गए। नहीं तो हम जन्मदिन वगैरह पे बाहर चले ही जाते थे, मैकडी वगैरह कहीं बाहर खाने, थोड़ा बहुत मस्ती करने। लेकिन आज हमने सोचा है कि आज हम ज़रूर जाएंगे शाम को बाहर। और दिन भर क्या करेंगे, बीच बीच में दिखाते रहेंगे आपको। अभी मैं जाती हूँ मम्मी जी के पास आशीर्वाद लेने उनका, और पूजा भी करूँगी मंदिर में। तब तक के लिए बाय। चल कर ले तो अपनी पूजा करती है। ये आ गए हम अपनी मम्मी जी से आशीर्वाद लेने के लिए, और मम्मी यहाँ पे ना थैंक यू बोल रही है। इसके बाद ले गए संजीत हमें खेतों में बाहर घुमाने के लिए, फूलों के खेत दिखाने के लिए। और हमने यहाँ बड़ी मस्ती भी करी, मैंने बाइक वगैरह भी चलाई और संजीत ने और मैंने शॉर्ट्स भी बनाए। हम नहर पे भी गए और मेरी बेटी भी बड़ी खुश हुई ये सब देख करके। वैसे जल्दी कर माई, बैठे क्या थी है? यहाँ पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये नहर के में ना गिर जाए, इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। और इसके पापा तो गुस्सा कर रहे थे। देखो जी आए हैं खेत में अपनी शादी सालगिरह पे। मुझे घुमाए और वो भी लोग गए। इतने प्यारे फूल हैं देखो, और ये मैं, और ये मेरे हस्बैंड, वो मेरी बेटी। दर ये आप यहाँ खेत में फूलों के बाग देखने के लिए, नहर के पास ही है ये खेत, यहीं पर आ गए हम। ये देखो खेतों में हम आ गए हैं फूलों के, और ये कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और ये माही को बड़े मज़े आ रहे हैं ना छेड़ छेड़ के। देखो हर तरह के हैं, गेंदा, जाफरी, और ये मार्केट गाइस। ये है मेरी बेटी, आज हम बाहर घूमने आए हैं जैसे मैंने बताया था। ये देखो कितने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो रोड बिचारे कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, कितने प्यारे फूल हैं। इसके बाद हम चल पड़े वापस घर। हेलो एवरीवन, माही ये देखो, ये संजीत जी बाइक चला रहे हैं और हम अपने घर जा रहे हैं। बस अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। ये देखो भाई, दिखाइए बेटा अपना हाथ दिखा। देखो कितना सारा हाथ जल गया इसका। ये देखिए बता मैं तो बेटी का घना याद जल गया, इतने नहीं क्यों कर जड़वाया ये। चुप चुप आई के लते बातें कर लते हम बैठ के तो अपने पैरा नहीं थी आज जलवा पैर में ना हाथ दिया। अब ये इसमें मैंने दवाई ला के लगाई है इसको, सिल्वर एक्स की, हाथ जलने की। पहले तो नारियल का तेल लगाया था और काफ़ी सारा जल गया और स्वेलिंग भी हो गई। चलो देखते हैं कितने दिन में ठीक होएगा, है ना माई? हो जाएगा ठीक, स्कूल खुलने से पहले तो हो ही जाएगा, है ना, रिजल्ट आने से पहले।
हो जाएगा बेटा, इसी हाथ से लिख लेना, उंगली में थोड़ी ना जलाए, हाथ जलाए ना। क्या हो गया माई गए? देख लो कैंसिल करवा दिया इसने प्रोग्राम अपना घूमने जाने का बाहर। अच्छा हाँ, ये देख लो इसका हाथ। हाँ मैं तो देख के इसको, एक बार तो जब उन्होंने बुलाया ना पड़ोसियों ने, अगर अपनी मम्मी को बुला के लाओ, मैंने तो सोचा मैं उलाना लेके आगी पड़ोस का फिर से कोई, तो मेरे को तो गुस्सा आया इसके ऊपर, मैंने तो इसको डांट दिया। फिर बाद में देखा मैं का, ये तो मैं का ज्यादा ही जलवा लिया, घना ही जल रहा है। कोई ना, हो जाएगा बेटा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। लो जी, हो गई अब शाम, और जैसे मैंने पहले बताया था, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमने सुबह प्लान बनाया था कि हम बाहर शाम को घूमने जाएंगे और मैकडी वगैरह, लेकिन हुआ ऐसा कि जब 5 बजे का टाइम था जाने की सोचा, तो कोई नॉन टू पापा मम्मी के थे, वो आ गए घर पर। पहले वो पापा का इंतज़ार करते रहे, फिर पापा भी नहीं आए, कहीं बाहर गए हुए थे, फिर मम्मी का इंतज़ार करते रहे, मम्मी पार्क गई हुई थी। ऐसे ही करते करते 2-3 घंटे वो रुक गए और हमारा प्लान धरा का धरा रह गया। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, उनके चाय पानी नाश्ता तो करा ही दिया था उन्हें, फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं अब चलते हैं। इससे पहले कि हम रेडी वगैरह होते, उससे पहले मेरी बेटी गली में खेल रही थी नीचे, और एक उसके साथ में बेचारे के साथ एक छोटी सी घटना हो गई, उसका जल गया हाथ। वो एक बाइक आई थी बुलेट, गली में आके खड़ी हुई, तो उसका साइलेंसर था गरम, और वो खेल रही थी हाइड एंड सीक और बच्चों के साथ, जब हम रेडी होने की सोच रहे थे, और उसने उस साइलेंसर के ऊपर छुपते हुए हाथ रख दिया, और उसका पूरी कलाई उसकी जल गई बुरी तरह से। फिर उसके बाद तो वो रोने धोने लग गई, उसको दवाई वगैरह करी, फिर हमने अपना प्लान जाने का आज कैंसिल कर दिया। और हमारी समझ में आ गया कि शायद भगवान भी नहीं चाह रहे कि हम कहीं बाहर जाएं और घर का ही खाना खाएं, बस यही सोच रहे हैं। भगवान ने भी यही सोचा कि बस इनको घर का ही खाना खाना ठीक है इनके लिए। फिर हमने यही सोचा कि इसमें हमारी ही भलाई होगी, तो ये सोच के हम गए नहीं कहीं पर, और हमने आज घर पे ही अपनी एनिवर्सरी खाना खा के सेलिब्रेट कर ली। तो इसलिए ज़्यादा दूर की सोचनी नहीं चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक की भी नहीं सोचनी चाहिए, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और चलो कोई नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी एंड संजीत जी, इसी आशा के साथ कि अगले साल मना लेंगे एनिवर्सरी अच्छी तरह से।